नीतीश कुमार द्रौपदी मुर्मू की जगह बनना चाहते थे राष्ट्रपति, बीजेपी ने दिखा दिया ठेंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ में नहीं आए, नीति आयोग की बैठक से पहले मुंह फुलाया। नीतीश समझ चुके हैं भविष्य, अभी मोदी बैठे बाद में योगी आएंगे, इसलिए बेचैन है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार मोदी के सीनियर हुआ करते थे, राजनीति में पहले आए, पहले मुख्यमंत्री बने और मोदी से पहले प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम चर्चा में आया। हालांकि अब उन्हें मोदी से ज्यादा डर योगी से लगता है। योगी के बढ़ते कद ने नीतीश कुमार का बीपी बढ़ा दिया है। हम आपको वो 5 वजह बताएं जिसकी वजह से नीतीश और मोदी की दुश्मनी अंजाम तक पहुंचने वाली है। उससे पहले सुनिए, क्या सच में नीतीश को राष्ट्रपति की कुर्सी चाहिए थी? क्या नीतीश ये मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भविष्य में गृह मंत्री की कुर्सी तक नसीब ना होगी? नीतीश कुमार एक चालाक राजनेता है, वो समझ चुके हैं बिहार में उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, नीतीश की सीएम की कुर्सी पर संकट साफ साफ दिखता है। यानी मोदी ने नहीं, योगी ने नीतीश का खेल बिगाड़ दिया है। नीतीश को चाहिए था राष्ट्रपति का पद। जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, नीतीश कुमार तब से नाराज हो गए। अब दरार सबको दिखने लगी। यानी बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार को दिल्ली आना था, लेकिन लगता है वो बिहार में भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को जिस शिंदे की तलाश है, वो शिंदे बिहार में जन्म ले चुके हैं। महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में खेल की पूरी तैयारी है। जेडीयू टूटी तो नीतीश कुमार इस बार नहीं संभाल पाएंगे। ईडी और सीबीआई का ऐसा डर है कि भागम भाग शुरू हो सकती है। इनका नाम आरसीपी सिंह, कद का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ही इन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया, वो सब कुछ दिया जो मिलना चाहिए। लेकिन आरसीपी सिंह नाराज हैं और नीतीश कुमार के डूबते हुए जहाज को छोड़कर निकल गए हैं। तो क्या बिहार की सियासत में आरसीपी सिंह ही शिंदे बनने जा रहे हैं? दूसरा सवाल उठता है कि बीजेपी वहां सरकार कैसे बना सकती है, कैसे सरकार को गिरा सकती है और किसको मुख्यमंत्री बना सकती है? जिस जातीय जनगणना की बात नीतीश कुमार करते हैं, बीजेपी उसके साथ जिंदगी में नहीं जा सकती है। नीतीश कुमार को कई बार लगता है कि वो मोदी से बड़े हैं, इसलिए जो मीटिंग मोदी लेते हैं वो ठुकरा देते हैं। करीब से देखने पर पता चलता है कि राजनीतिक रास्ता और भविष्य क्या होगा। जब दिल्ली दरबार में एक से बढ़कर एक नाम है, तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? ममता बनर्जी मोदी की बैठक में शामिल है, नीति आयोग की बैठक में ममता का पहुंचना और नीतीश का ना पहुंचना क्या बताता है? क्या दिल्ली से लेकर पटना तक और पटना से लेकर बंगाल तक सब कुछ तय हो चुका है? ये 3 तर्क दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं है। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई तो नीतीश कुमार नहीं आए, बिहार की डिप्टी सीएम को भेजा। मोदी ने कहा आइए द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में रात्रि भोज रखा है, नीतीश ने कहा पेट खराब है, भूख नहीं है। फिर नीति आयोग की बैठक में मोदी ने कहा आइए बिहार के विकास की बात करेंगे, नीतीश ने कहा नहीं, यानी ये लाइन कहीं और जाने वाली है। यूपी में अखिलेश यादव, तेलंगाना में केसीआर और बिहार में नीतीश, साथ में लालू की पार्टी आरजेडी भी हो सकती है और मिलकर जातिगत आंदोलन चला सकते हैं, देश को जला सकते हैं। इन पार्टियों की मांग है कि मोदी ऐसी जनगणना करवाएं जिसमें साफ साफ ये पता चले कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने ब्राह्मण हैं। आप जानते हैं देश में क्या होने वाला है? आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि 85 हम लोग हैं, यानी ओबीसी और दलित, बाकी 15 में भी बंटवारा है। मोदी को हराने का कोई तरीका नहीं मिला तो अब ये तरीका अपनाया जाएगा, जाति जनगणना की मांग होगी। नीतीश पीएम बनने की आखिरी उम्मीद पूरा करेंगे, अखिलेश सीएम बनने की उम्मीद और तेजस्वी यादव भी सीएम बनने की चाहत रखते हैं। केसीआर तो मोदी को बुड्ढा बताते हैं और वो भी पीएम बनना चाहते हैं। यानी ये खेल शुरू हो चुका है, ममता के साथ मोदी का आशीर्वाद जुड़ चुका है। नीतीश विरोध भी करके अपनी ही कुर्सी खतरे में डालेंगे, क्योंकि मोदी से पार पा भी लिए तो क्या हुआ, योगी थोड़ी ना छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।